पूर्वी राजस्थान में बीजेपी की पकड़ है बड़ी ही कमजोर बताई जाती है, कि क्योंकि कांग्रेस का जो धरोहर है, कांग्रेस की ज़्यादा यहाँ पे परचम है। आपने सवाई माधोपुर में विजय संकल्प भी लिया, काफ़ी दिग्गज नेताएं भी हैं जो यहाँ पे आई हैं। सवाई माधोपुर में विजय संकल्प आपकी पार्टी ने लिया है, तो इस बार की क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह की रणनीति है? आपने खुद ने कहा कि पूर्वी राजस्थान से एक भी है जो मुख्यमंत्री नहीं बना है, इस बार कैसी तैयारियाँ हैं? मैंने इसलिए कहा था कि सचिन पायलट को इन्होंने प्रोजेक्ट किया था। वो हमारे दौसा से पूरा परिवार यहाँ से सांसद रहा है, तो हमारे इस इलाके का लगाव था लोगों का। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ बनेंगे सीएम, इसके कारण उनको वोट कर गए और वो नहीं बने। वो तो कांग्रेस का मामला है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके कारण इस इलाके को सफ़र करना पड़ा है। ERCP को इन्होंने फुटबॉल बना रखा है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं आया, कोई जो है इरीगेशन का प्रोजेक्ट कोई यहाँ पर नहीं है, कोई IIT कोई जैसा और इलाके में हो रहा है, और इलाके में भी होना चाहिए। राजस्थान समूचा हमारा है, लेकिन पूरा ईस्टर्न राजस्थान विकास में पिछड़ गया, इसकी मेरे वेदना थी। तो केवल मुख्यमंत्री बनने से नहीं हो सकती। मैं सोचता हूँ एक मौका आया था, हमारे लोगों ने वोट दिया था, तो मौका हम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।